अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सामा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माई टेक्निकल सॉल्यूशन। दोस्तों आज आपके साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं जो कि आज पाकिस्तान में बहुत ही झगड़े का बाइस बन चुका है। जी हां दोस्तों, झगड़े का बाइस इतना बन चुका है कि आपस में यूट्यूबर पाकिस्तानी यूट्यूबर आपस में लड़ रहे हैं। वो क्यों लड़ रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता लग सके कि पाकिस्तान में ये झगड़ा क्यों चल रहा है और इसकी पीछे क्या खास वजह है और इसके बारे में आपकी क्या राय हो सकती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चले दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल एक एप्लीकेशन चल रही थी पिछले दिनों अर्न कैश के बारे में। दोस्तों ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक हुआ है पाकिस्तान में। पहली बार इस पे हर किसी ने वीडियो बनाई है, हर किसी ने ये ऐप बनाई है और इस ऐप के जरिए पैसे कमाने की कोशिश की गई है। दोस्तों हुआ किस तरह था कि एंड कैश ये लोगों ने वीडियो बनाई, बड़े बड़े यूट्यूबर ने वीडियो बनाई, ठीक है, इस पे वीडियो बनाकर इन्होंने पब्लिक को दिखाया कि ये एप्लीकेशन आप इससे पैसा कमा सकते हैं। तो और जब ये पब्लिक होगी तो लोगों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया तो और कुछ यूट्यूबर ने पैसे भी दिए, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, ठीक है, कुछ यूट्यूबर ने उनको पैसे भी दिए। एक यूट्यूबर पाकिस्तान का जो बड़ा यूट्यूबर माना जाता है उसने 40,000 तक लोगों को पे किया, ठीक है, लेकिन बाद लोगों ने उसको क्या कहा, फ्रॉड स्कैमर, ठीक है। और एक और हमारे भाई है यूट्यूबर, एक अच्छे यूट्यूबर है, उन्होंने 2-3 ही वीडियो इस पे बनाई, ठीक है, उनके खिलाफ वीडियो बननी शुरू होगी कि ये वीडियो आपकी फ्रॉड है, ये वीडियो ये है, ये वीडियो ये है। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप एक दूसरे के साथ लड़े, ठीक है, आप उसके साथ आप उसको झूठा कह रहे हो ये स्कैमर है, ये पैसे नहीं देता, ये इस तरह करता है। भाई मुझे सिर्फ एक चीज बता दो, स्कैमर और फ्रॉड का मैंने क्या होता है, ठीक है, अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप मुझे स्कैमर और फ्रॉड का मैंने बता दें तो कमेंट करके जरूर बताइएगा जो ये देख रहे हैं वीडियो, ठीक है। स्कैमर और फ्रॉड का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको पैसे देता हूँ कि ये मेरे पैसे हैं, मेरे 20 रुपए पैसे, मैं अपने जो मैंने 20 रुपए आप में इन्वेस्ट किए हैं ऐप में, अगर 20 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हैं, वो 20 रुपए लेकर वो ऐप वाला भाग जाता है या फिर वो 20 रुपए आपके डूब जाते हैं, उसको स्कैम कहते हैं, उसको फ्रॉड कहते हैं कि आपने पैसे लगाए आगे पैसे डूब गए, ठीक है, ना ही जो ऐप चलाई गई थी ना ही उन्होंने आपसे इन्वेस्ट मांगा, ना उन्होंने आपसे कोई पैसे मांगे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि इस पे काम करें और पैसे ले जाए, ठीक है। लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, भाई ये गूगल के खिलाफ है, ये गूगल के इस तरह, वो उनकी हेडिंग है, उनका एक्शन पे मसला होना है, ये आप पे आपकी हेडिंग नहीं है, वो पैसे जैसे मर्जी कमाए, ठीक है, वो आपके साथ स्कैम नहीं कर रहे ना आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अगर किसी चीज को पैसे दिए गए, ये देखिए ये मैं आपको 20 रुपए देता हूँ यार, मेरे ये 20 रुपए ना ये मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे इस पे इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, मतलब कि मैं चलो 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट आप पे कर देता हूँ इस ऐप पे, ठीक है, अगर वो ऐप वाला 1,00,000 रुपए लेके भाग जाता है या ऐप बंद कर देता है, वो ऐप नहीं चलाता, तो फिर आप उसको कह सकते हैं ये लड़का स्कैम है, ये आदमी स्कैमर है, ये यूट्यूबर स्कैमर है, ठीक है। और आप एक दूसरे के क्या खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, एक लड़का वीडियो बना रहा है भाई ये स्कैम है, ये आपको खुद पैसे ज्यादा कमा रहा है, आपको पैसे थोड़े दे रहा है, यार आपको इससे क्या लगे वो पैसे ज्यादा कमा रहा है या थोड़े कमा रहा है, आपको पैसे लेना है या देना है, आपको पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ठीक है, अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो उसके शुक्र करना चाहिए ना, आपने कोई उसका इन्वेस्ट तो नहीं ना किया, अगर इन्वेस्ट किया होता तो फिर आप उसको स्कैम करना, जो अगर स्कैम करते हैं फ्रॉड करते हैं वो उस पर हक था, वो वाकई में वो स्कैमर के लाइक था, लेकिन अब आप किसी को स्कैमर कहते हैं या फ्रॉड करते हैं लेकिन वो ना स्कैमर गिना जाएगा ना वो फ्रॉड गिना जाएगा, ठीक है। और ये जो एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बन रही है, एक दूसरे के खिलाफ भाई मेरे वीडियो मत बनाए, ठीक है, इससे हमारी पाकिस्तान की ही बदनामी होगी, ठीक है, आप इंडिया वाले देख लें, इंडिया वाले आपस में मिलकर काम करते हैं, एक कम्युनिटी बनाकर काम करते हैं तो वो कामयाब होते हैं, ठीक है। और एक यूट्यूबर पाकिस्तान का काम कर रहा है तो दूसरा उसकी टांग खींच के लेकर नीचे आएगा, भाई फिर तूने नीचे आना अब मैंने ऊपर जाना है, हम हसद करते हैं एक दूसरे की, एक को नीचे लेकर आते हैं खुद को ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। अगर आप आज किसी के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं कल को आपके खिलाफ कोई वीडियो बनाएगा, और बहुत से लोग मुझे कहेंगे भाई आप ये इस तरह की बातें कर रहे हो, लेकिन
कमेंट करके मुझे बहुत बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जो सच है वो आपके साथ सच बयान कर रहा हूँ कि वाकई में आप गलत कर रहे हो। एक दूसरे से लड़ो मत, प्यार से रहो, ठीक है। अगर वाकई में आपको कोई फ्रॉड नजर आता है, कुछ स्कैमिंग नजर आती है, तो आप ये करो कि आप उसको पर्सनली फोन करके कह दो कि भाई आपने ये गलत किया है, इस तरह आगे से वीडियो ना बनाओ, ये हमारे पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। और आप क्या कर रहे हो, आप एक दूसरे को स्कैमिंग के हवाले से लगे हुए। और सबसे बड़े जो लोग स्कैम है, फ्रॉड वाली वीडियो बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई आप फ्रॉड वीडियो बनाते हो, ये वीडियो झूठी वीडियो बनाते हो। अब मैंने कुछ ऐसे यूट्यूबर देखे हैं, उन्होंने बिना शिनाख्ती कार्ड को लोगों का डाटा कैसे हम देखे, ये क्या ये इलीगल नहीं है? मुझे जरा ये बता दें कि ये इलीगल नहीं है कि आप पाकिस्तान के डाटा, पाकिस्तान के लोगों का डाटा आप लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई आप इस तरह लोगों का डाटा निकाल सकते हैं, तो क्या ये गलत बात नहीं है? आप दूसरे लोगों को अगर कह रहे हैं आप गलत बात कर रहे हो, आप खुद गलत हो, क्योंकि आप इस तरह की वीडियो बना रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो कि भाई आप लोगों का डाटा निकालो और इसको और ब्लैकमेल किया जाए। लेकिन इस तरह मत करें, इस तरह मैं भी आपके पे अगर 100 गलतियां निकालने भी आऊं, मैं आपके पूरे चैनल में से 100 गलतियां निकाल सकता हूं। अगर बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, चाहे वो जो सा मर्जी, अगर मैं उसके चैनल पे जाऊं, उनके चैनल से बहुत बड़ी गलतियां निकल आएंगी। मेरे चैनल पर आप आए, मेरे चैनल से बहुत बड़ी गलतियां निकल आएंगी। आप अगर इस तरह किसी की गलतियां निकालते रहेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो अगर आपको मेरी कोई गलती लगी हो या आपको गुस्सा लगा हो तो आप सब से मैं माफी मांगता हूँ। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए, और अगर इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप हासिल करना चाहते हैं, अगर आपको मेरी ये स्पीच अच्छी लगी है, तो वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस तरह की और भी स्पीच मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।